आपके पेरेंट्स नहीं आए, बुलाओ उनको, आ जाओ आ जाओ, कम गुड मॉर्निंग, बहुत ही ठंडे हाथ आ गया, आओ कम कम कम, इसकी ज्वाइनिंग गुड मॉर्निंग, आप भी आओ साथ में, आपको भेजनी है ज्वाइनिंग रिपोर्ट, लेके आओ बैठे बेटे, पेरेंट्स को बुलाओ, आओ आओ साथ में, इंट्रोड्यूस एवरीबॉडी, पहले आप इंट्रोडक्शन दो। आई एम पूजा फ्रॉम 10th बी क्लास, आई एम फ्रॉम स्कूल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल मॉडल टाउन पटियाला, एंड टुडे यू आर, टुडे आई एम डिप्टी कमिश्नर डीसी साक्षी मैम, डीसी पटियाला, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा, आपको स्ट्रक्चर पता है एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है, रिसीविंग टीम, आप एक काम करो, वो रिसीवर उठाओ, वो इंटरकॉम बटन प्रेस करो, इंटरकॉम बटन प्रेस करो, ऊपर फर्स्ट बटन फोन करो, बोलो एबीसी साहब को बुला लीजिए, एबीसी साहब को बुला लीजिए प्लीज, बेटा एसटीएम पटियाला को मैसेज लगा दो आ जाए, हाँ सो आपको मैं आपको थोड़ा सा वो बता देती हूँ, ठीक है, स्ट्रक्चर आपको पता है स्ट्रक्चर, सो देर इज ए डीसी है ना, देर इज ए डीसी, ठीक है, डीसी के पास होते हैं 3 ADCs, डीसी क्या होता है डेप्टी कमिश्नर, एडीसी होता है एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर, ठीक है, एक होता है एडीसी रूरल डेवलपमेंट, एडीसी अर्बन डेवलपमेंट एंड एडीसी जनरल, ओके, एडीसी रूरल डेवलपमेंट सारे विलेजेस के रूरल डेवलपमेंट है ना, रूरल मतलब विलेजेस, अर्बन डेवलपमेंट मीन्स सारे शहर है ना, एंड जनरल मीन्स असिस्टिंग डीसी इन ऑल द जनरल मैटर्स, ठीक है। अभी ये हो गया जिला है ना, डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट पे ऑल्सो होता है एडीसी के साथ होते हैं एक जीए होता है, दैट इज असिस्टेंट जनरल, ठीक है, टू डीसी, एंड देन इज यू हैव नाउ अ सीएम फील्ड ऑफिसर, ये जितनी ग्रीवेंसेस आती हैं पब्लिक को मीटिंग होती है ये हम सीएम फील्ड ऑफिसर बोलते हैं, जो ग्रीवेंसेस को हैंडल करते हैं, ग्रीवेंसेस मतलब किसी की कोई कंप्लेंट है, शिकायत है, कोई प्रॉब्लम है, वो सारी वहां पर हो जाती है। आज एडीसी साहब, गुड मॉर्निंग, मास्क उठा दे इसका, हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, सो ये गई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है, नाउ आवर डिस्ट्रिक्ट हैज सब डिविजन, so we have people called SDM Patiala, SDM Dhan Sadhan, SDM Rajpura, SDM आपके पात्रा, नहीं राजपुरा लिखते हैं, SDM पटियाला, दुन राजपुरा, पात्रा, नाभा, 5-6 दे हैव द सील्स, अभी सब डिविजन चल रहा था ना, तो सब डिविजन मतलब तहसील, तहसील आपको पता है, तहसील एंड सब तहसील, तहसील में होते हैं तहसीलदार एंड नायब तहसीलदार होते हैं, ठीक है, इनके नीचे आ जाते हैं आपके कानूनी बोर्ड, देन आ जाते हैं उनके नीचे पटवारी, ठीक है, नाउ दिस इज रफली द स्ट्रक्चर, अदर देन दैट वी आर लकी टू हैव समबडी एट डिस्ट्रिक्ट लेवल कॉल्ड डीडीएफ, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट फेलो, वेयर इज शी, देयर, हाँ दैट इज डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट फेलो प्रिया, एंड वी ऑल्सो हैव एन अंडर ट्रेनिंग आईएएस ऑफिसर अक्षिता, ठीक है, सो शी इज, अब आप बताओ, तो यू नो यूपीएससी, यूपीएससी पता है, तो यू फॉर यू टू बिकम एन ऑफिसर यू हैव टू क्लियर
UPSC and if you are in Punjab, then TCS officer ke liye there is an exam which is held at every state holds its own exam also, and at national level you have UPSC holding civil service exam, hai na? अब सिविल सर्विस एग्जाम में आपको सारी सर्विसेज, आपके पास पेपर जो होता है ना, इट इज नॉट की फॉर IAS देयर इज अ सेपरेट एग्जाम, फॉर IPS सेपरेट एग्जाम, देयर इज वन एग्जाम, ठीक है। वन एग्जाम में आपने प्रेफरेंसेस भरनी होती है कि आपने IFS बनना है, फॉरेन सर्विस, IPS बनना है, IAS बनना है, आपने क्या बनना है, ठीक है। फॉरेस्ट सर्विस के लिए अलग एग्जाम होता है, फॉरेस्ट सर्विस के लिए, ठीक है। एंड वो एग्जाम फिर आपके रैंक पे डिपेंड करता है कि आपको क्या मिलता है। सो अक्षता हैज रिसेंटली क्लियर दिस एग्जाम, आई गेव UPSC एग्जाम, तो उसमें आई गॉट 69 रैंक, देन आई गॉट माय चॉइस ऑफ IAS एंड कैटर पंजाब, सो आई विल बी सर्विंग इन पंजाब का। सो फॉर हर, तो शी इज हियर इन द डिस्ट्रिक्ट फॉर 9 मंथ्स एंड देर इज समथिंग कॉल्ड LBSNA which is the academy at Mussoorie, and you have MEXIPA which is academy at Punjab to train officers, ठीक है। कोई सवाल आपके अभी तक? UPSC एग्जाम की प्रेजेंटेशन, तो UPSC का एग्जाम होता है कि पहले तो यू हैव आपकी प्रीलिम्स, प्रिलिमिनरी होता है, एकदम ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप बट विद नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। वो दो पार्ट्स होंगे, एक तो CSAT होता, CSAT यू स्टिल हैव राइट, क्वालिफाइंग, मेरे माय टाइम इट वाज काउंटेड, इट्स क्वालिफाइंग ओनली, अच्छा, आपको पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं, मार्क्स प्रेजेंट करो। तो CSAT होता है एप्टीट्यूड टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट थोड़े मैथ्स भी हो जाता है, लॉजिकल रीजनिंग कुछ हो जाता है, एंड जरा वैसे प्रिलिमिनरी पार्ट वन है वो हो जाता है GK का मोस्टली, ठीक है। सो ये हो गया प्रिलिम, प्रिलिम च बहुत बच्चे बैठते हैं, ठीक है। आई थिंक हाफ द कॉम्पिटिशन इज की नंबर ऑफ चिल्ड्रन अपियरिंग फॉर द एग्जाम, एंड प्रिलिमिनरी जे तुसी क्लियर कर देने हो, फिर आते हैं मेन्स, मेन्स आर रिटन एग्जाम सब्जेक्टिव टाइप, वख वख सब्जेक्ट्स होंगे, देर इज GK 1, GK 2, बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशंस, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, एदा पेपर्स होंगे, ठीक है। ओदे नाल तुहानू एक सब्जेक्ट आपका भी तैयार करना पैंदा, जिदा मेरा लॉ सी, मैं लॉ बैकग्राउंड तो ही हाँ, सो मैं लॉ पेपर दिता सी, व्हाट डिड यू गिव, मेडिकल साइंस, हाँ ये डॉक्टर ने, इन्होंने मेडिकल साइंस ही दिता सी, ठीक है। सो तुहानू एक पेपर चूज करना पैंदा है, सरकार ने ना 36 डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट जिहड़े हैगे ने देयर हेड इज एन IAS ऑफिसर, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस वाला ऑफिसर, उन्होंने हर एक डिपार्टमेंट नो हेड करता है, उन्होंने उत्ते होंदा मिनिस्टर ऑफ द डिपार्टमेंट, मिनिस्टर तो अगे होंगे ने टॉप एंड ते चीफ मिनिस्टर, जिहड़ा डिपार्टमेंट की डे टू डे रनिंग करनी है वो IAS ऑफिसर ने करनी है, मतलब IAS जिवें प्रिंसिपल साहब ने, एजुकेशन डिपार्टमेंट के एक ऑफिसर है, बट इन्होंने भी जो कंट्रोलिंग ऑफिसर है ये सैकटरी एजुकेशन, सैकटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, सो IAS ऑफिसर जो मर्जी डिपार्टमेंट है वो डिसाइडेड बाय एन IAS ऑफिसर। इन द डिस्ट्रिक्ट जो है DC साहब रिप्रजेंट द स्टेट, स्टेट का जो मतलब हर एक जिले, स्टेट CM साहब हो गए सारी स्टेट के, जो जिले का इंचार्ज है, जिले का सारा काम जो है देखना है डिप्टी कमिश्नर ने, डिप्टी कमिश्नर ये नहीं है कि कला एक डिपार्टमेंट है, ये सेंटर है एक, लाइक सन दे अलोंग सारे प्लैनेट सन दे अराउंड करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, तो ऐसा ही DC जो है इट इज द सेंटर ऑफ द व्हील, एक व्हील का धुरा है जिसे आले दुआले सारे डिपार्टमेंट्स मतलब दे रिपोर्ट टू द DC ऑल द डिपार्टमेंट्स, बीट द पुलिस डिपार्टमेंट, बीट द एजुकेशन, हेल्थ, कोई भी डिपार्टमेंट है, जो भी डिपार्टमेंट जिले के फंक्शन कर रहा है उन्होंने काम का ओवरऑल कंट्रोल मॉनिटरिंग करनी, दैट इज द वर्क ऑफ द DC एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, हाँ, कोई भी सरकार की स्कीम है, कोई भी हो जी, इट हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड एट डिस्ट्रिक्ट लेवल थ्रू द DC एंड देन दी जिदा मैं टेबल जब बनाया थ्रू ऑल दीज ऑफिसर्स, ठीक है। सो दे आर ऑल्सो इट्स DC एंड डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, इट इज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बिकॉज ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर रूल,
ठीक है, सुपरिंटेंडेंट्स ऑफ ऑल जितना जेल्स हो गए, वी हैव टू विजिट देम, एसएसपी साहब के नाल लॉ एंड ऑर्डर की कोऑर्डिनेशन हो गई, ठीक है, ऑल एग्जीक्यूटिव, ये जितने भी है ना, ये सारे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ने, ठीक है, लाख बीमारी स्पेशलिस्ट नु भी हुणे पता लग गए, बट सानू भी नाल दी नाल जिन्ने भी कंट्रोल मेजर्स हैं ओ नाल दी नाल सारे ही लगे हुए सीगे। सो देयर इज डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ओ कोई फ्लड आ गया किते, सो उत्थे रिलीफ का काम, फ्लड प्रिवेंशन का काम, वो सारा कुछ असी देखते, ठीक है। सो टुडे इन फैक्ट वी हैव 2-3 मीटिंग्स लाइंड अप। सो वन इज दिस ट्रबल बर्निंग मीटिंग, देन आई वुड लाइक यू टू विजिट एंड सी योर ओन रिकॉर्ड, तुसी भी देखो रिकॉर्ड तुहाडे पिंड का, ठीक है, एंड देयर आफ्टर इस मंथ शी कैन कम एंड सी योर, आपका कोर्ट है आज है तो सही, लेकिन एडवोकेट साहब तो छुट्टी भी चल रहे हैं। ओ या जी, सो आप देन वैसे बता देंगे, हाँ आपके पास आ जाएंगे थोड़े, गुड मॉर्निंग, आई एम महफूजा फ्रॉम क्लास 10th बी, आई एम फ्रॉम स्कूल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल मॉडल टाउन पटियाला एंड ही इज माय प्रिंसिपल सर। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सपोज हर फॉर इट्स बीन, आई एम गोइंग टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट डीसी सर, आई एम टुडेज डीसी। सो जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने भावे आईएएस ऑफिसर बनना है, आईपीएस ऑफिसर बनना है, या डॉक्टर बनना है, या टीचर बनना है, वट एवर दे वॉन्ट टू बी, असी उन्होंने एक दिन अटैच करांगे विद देयर रोल मॉडल, सो दैट उन्होंने थोड़ा जा एक्सपोजर हो जाए, जिदा अज हो रहा है कि काम की कुछ हुंदा है, की एंटेल हुंदा है, इहदे लई असी स्कूल्स तो ही एप्लीकेशन लेवांगे, सो दैट यू कैन वेट, तुसी वेट करके भेजोगे सानू, ते जिन्ने तुसी भेज दो असी हर महीने दे विच कोशिश करांगे, से फॉर एग्जाम्पल जे किसी ने बनना हैगा आईएएस ऑफिसर, किसी ने बनना हैगा डॉक्टर, तो असी उन्होंने उस महीने एक दिन लई उधर पोस्ट कर दांगे, बट जे बाई चांस ज्यादा लोग आ गए एक रोल मॉडल लई, देन असी उन्हें प्रायोराइज कर दांगे कि पहला ए चाइल्ड आएगा, फिर वो चाइल्ड, फिर नेक्स्ट चाइल्ड। So point is that this will be regular feature. Now every month we will be taking children from the schools only in the iAspire program, and iAspire da jehda link hai assi bhej chuke hain, hun DO saab nu bhej chuke hain, so DOs nu pahunch chukya hai link, te jinne bhi register karna hai oh rahi school register kar sakde hain, so sare bachche nu assi chance devange to have this kind of exposure. ठीक है, सो शी इज आर फर्स्ट आई एस्पायर, आप आओ, आप आओ मैडम, प्लीज आप आओ, साथ में आओ जाओ, ठीक है। तो अभी हमारा क्या स्टेटस है मशीन्स का और दो मशीन है इस टाइम साढ़े को नार्स और 5984 मशीन ये पूरे जिले की है या स्टेट की है पूरे जिले की कौन वहाँ पे काश कर रहा है
ठीक है, कितना उसका रकबा है, कौन सी चाबी है, टेबल है, क्या है? टेबल है, सरकारी मोटर लगी है या अपनी प्राइवेट मोटर है, उधर जाने वास्ते रास्ता कितना है? एक कोई भी बंदा अगर आता है कि मेरी जमीन, कोई भी मसाला है, इसकी जमीन मेरी है, मान लो कोई भी मसाला लूज पड़ी है, वो वाली जमीन इंदिराज धर्म को बात कर सकते हैं। ये सड़क जा रही है, ये गांव है, ये गांव की सड़क जा रही है, ठीक है, इस तरह से खेत एक ही है, इसलिए हाथ सारे सारे खेत बड़े बनाए गए हैं, ऐसे ही हाथ से बनाते हैं अलग-अलग, बिल्कुल हां ये आ रहा है, एक फोन जरा ये रास्ते आ गए, ये रास्ते ये जो है ये रहेश एरिया, ये रहेश एरिया, ये सारे यहां पे रहते थे, ठीक है, फिर सड़क जाती है, ये सारे खेत इसको अंदर चेक करना है, हां देखिए इनका ये नीचे है, सड़क जा रही है, सारे खेत ने, ये नदी जा रही है कोई, ठीक है, ऐसे हम इसमें मार्क करके ये सब ये जाके बनाते हैं, रंग दिते हुए जो उस प्रोजेक्ट देखना होंगे फट दे एक नंबर मिसाली है, इसको पता लग जाएगी इन्होंने की लिखा आबादी, आबादी के इस तरह एग्रा टाइप बना के उस रंग जलो, आबादी मतलब जहाँ पे लोग जो इस तो अगर दरिया या नहर या की दरिया का गया तो जो अपन दिखाई गई मुख्य है वो बलू रंग दिखाया हुआ, इस तो अगर रस्ते है रस्ते में भी रंग दिखाया सड़क हो गया, ठीक है, इसको अगे आ गया खूह खूह फरवरी आ गया, फरवरी के 10 फरवरी शनिवार से 65.5 mm होगी, एतवार को 5.0 mm होगी, अगे अगर 12.5 mm होगी, जनवरी च बारिश होगी, अगे सॉरी फरवरी हो गई मार्च आ गया, मार्च के 12 मार्च 2007 दिन की सोमवार हर साल का डाटा रखते हैं प्रेजेंट टाइम तक इधर ही आ जाने, प्रेजेंट टाइम आ जाते हैं, असं आ गए 2022 जुलाई जुलाई के बारिश हुई, सीजन होंगे बारिश का सीजन होंगे जी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 दिन उत्थे बारिश हुई, जे आप देखा किसी होर दिनों के अगर उपर आ गया कोई अगे की रखना मेडिकल की नॉन मेडिकल आर्ट्स है सारे महकमे होंगे जिम्मे माल महकमा हों पटवारी होंगे कानूनगो होंगे करतार होंगे कई तरीके के होर महकमे भी होंगे वह भी लोगों पॉजिटिव चेंज लोगों की लाइफ च लैके आते पर जिहड़ा साडा पुलिस महकमा है यह किसी की जिंदगी च इमीडिएट चेंज जिहड़ा होंगे मान लो किसी परिवार च किसी दे नाल कोई क्राइम हो जाए कोई मर्डर हो जाए कोई डकैती हो जाए तो असी इमीडिएटली उस परिवार की दुख तकलीफ जी दूर कर सकते ये जरा अपना समाज आनू एक लॉ एंड ऑर्डर सिक्योर एनवायरमेंट देना ताकि सारे लोग अपने जिड़ी भी गुजर बसर आओ बिना किसी टेंशन तो कर सकन पुलिस महकमे का काम हो जिम्मे हम ट्रैफिक होंगे कई बार एम्बूलेंस फस जाती है साडे महकमे वाले एम्बूलेंस कढ़ा देंगे किसी की जिंदगी बच जाती है किसी नाल कोई क्राइम हो जाए कोई डकैती हो जाए कोई चोरी हो जाए उसका समान असीं रिकवर करा के देंगे कोई साइबर फ्रॉड हो जाए अजकल साइबर फ्रॉड बहुत होंगे किसी के खाते चो जो ठग आ पैसे कढ़ा लेंगे वो पैसे असीं वापस करा तो साड़ी जिहड़ी पुलिसिंग हैगी लोगों की जिंदगी च इमीडिएट फौरी बदलाव जिहड़ा लैके आ जिहड़ा आईएएस अफसर है उन्हें जमीन के डिस्प्यूट हल कराने हैं बड़ा कुछ होना पर जिहड़ा पुलिस महकमा है वो किसी की जिंदगी जो आप कहने कि फौरन कोई दुख तकलीफ आई तो फौरन उसका रिड्रेसल जिनको आप हल करा के दिता यह अंतर होंगे दोनों चीजों समझाई तुम्हें इतने पटियाला 26 थाने 26 8 पुलिस स्टेशन ने जिन्हों चो एक चाहा पिंड बख्शीवाल जो SHO साहब बैठे टिवाणा साहब ने DSP ने इन्हों के अंडर वो थाना
ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਈ ਜੀ ਆ ਡੀਆਈ ਜੀ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਐਸਐਸਪੀ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਆਇਆ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲੈ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਆ ਕਰੇਂਗੀ ਮਿਹਨਤ ਤਗੜੇ ਹੋ ਗਈ कैसे बात करते हैं अपने कैसे बातें रखते हैं कैसे करते हैं देखा और आपको सबसे अच्छा क्या लगा मीटिंग लगी और एस एस पी लगे तब भी गए थे हाँ अभी मैंने देखी आपकी वीडियो वहाँ भी गए थे सर बहुत मोटिवेट कर रहे थे गुड और रिकॉर्ड भी देखा मैंने अक्षता को बुला लो अभी आपको लंच के लिए ले जाते हैं ठीक है सो नाउ व्हाट इज योर प्लान डू यू लाइक व्हाट यू सी डू यू थिंक कि आपको ये करना है हाँ चलो बढ़िया गल है ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੈ ਗਈ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਬਸ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬ੍ਰਾਈਟ ਬੱਚਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ ਜੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀ ਤਾਂ ਭਾਗ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ एक बेटी और है दो बेटी है जी एक बेटा मम्मी है इनकी मम्मी है मेरी वाइफ है और मेरे बेटी है अच्छा तो दो दो एक एक लड़की एक लड़का और हाँ वो क्या कर रहे हैं छोटी बेटी 9th में है इनके साथ ही अच्छा बेटा उसके 7 साल के बाद हुआ था तो 3 साल कोरोना में खराब हो गया अभी फर्स्ट में कहाँ पे वो सरकारी स्कूल में वही गाँव में ही है ओके इंदरपुर में आपने रिकॉर्ड दिखाया आपको अच्छा लगा तो देख के अपना रिकॉर्ड अरे इधर पीछे